हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग फेस पैक बनाएंगे। फेस में जैसे डार्क सर्कल रहते हैं वो कैसे निकालने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोज़ वाटर लूँगी, देन एलोवेरा, एलोवेरा का यूज़ करूँगी। उसके बाद विटामिन ई, ये विटामिन ई आपको किधर भी मेडिसिन में मिल जाएंगे। कुछ इसका 50 रुपीज प्राइस है। और मैं हनी यूज करूंगी। और आप जो भी कुछ भी फेस वॉश यूज करते हो अपने फेस के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये लोटस का फेस वॉश यूज करूंगी और एक एक टीस्पून यूज करना है। ये छोटा टीस्पून मैं सब कुछ एक एक टीस्पून यूज करूंगी। फेस वॉश थोड़ा कम लेने से भी चलेगा, 1 इंच में आपको लेना है। मैं ये पैक बनाना स्टार्ट। हे गाइस, मैंने इसमें सारा कुछ ले लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही पतले पतले आएंगे पानी के हिसाब से। मैं इसको मिक्स करके ये पूरे तरीके से मिक्स हो गए हैं, थोड़ा पानी पानी टाइप में ये आएगा। देखिए अब मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। ये फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऐसा ब्रश यूज नहीं करते हो आप, ऐसा ब्रश का यूज कर सकते हो आप अपने फेस के लिए। ये मैं इसमें मिक्स करूंगी। देखिए इसका खुशबू बहुत ही अच्छा है। मैं अभी फेस पे अप्लाई करूंगी। जैसे हम लोग मेकअप करते हैं उसी हिसाब से मेरे को देखिए ये त्वचा को गोरा निखारने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। इसको हम ब्रश से लगाने से ज्यादा आपको फायदा होगा। आप 5 से 10 मिनट तक इसको फेस में लगा के या ब्रश से मसाज करें। मैं इसको पूरा खत्म कर दी हूं। मैंने पूरे फेस में यूज़ कर दिया। अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट तक मैंने मसाज किया है। अभी इसको क्या करना है, वॉश करना है ठंडे पानी से। अभी मैंने ठंडे पानी से वॉश किया है। और आपको ऐसे कुछ कॉटन लेके इसको धीरे धीरे टॉवल से फेस को वाइप करना है। देखिए स्किन ये पूरा आपका सॉफ्ट। हफ्ते में इसको आप 2-3 बार भी यूज करने से चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं अभी रोज वाटर इस पे अप्लाई करूंगी। आपके पास कोई कॉटन होगा तो आप कॉटन से अप्लाई कीजिए, मैं तो हाथ से कर रही हूँ। ऐसे टैप करके पूरे फेस में मैंने रोज वाटर लगाया, थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए।
हाय फ्रेंड, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे लेके आती हूँ नया कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।